हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है बिशु जॉब सेंटर। आज जिस वैकेंसी की बात करेंगे वो रेलवे की तरफ से निकल के आती है, जिसमें मात्र आप 10 पास हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। तो आगे फ्रेंड बात करें उससे पहले, आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि, और पास में बेल घंटी को ज़रूर दबा लेना ताकि रेगुलर बेस पे आपको जॉब की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसे फ्रेंड देख लीजिए, हम जैसे आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें देखिए नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर की तरफ से वैकेंसी निकली है। खास बात इसमें यह है कि आप कोई भी जगह से हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन डेट दे दिया है, लास्ट डेट भी दे दिया फ्रेंड। अप्लाई 26/11/2019 से आज से हो जाएगा स्टार्ट, अब 25/12/2019 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। पहला नंबर में क्या बोला गया है फ्रेंड, ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू रेलवे रिक्रूटमेंट सेल गोरखपुर आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट फिल अप द प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर अंडर गोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल 1962 इन द फ्लोइंग यूनिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे। तो यहाँ बता दी गई मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर 411 पोस्ट स्लॉट है, सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट 63 है, ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट 35 है। इसी तरह ये 9 को कैंट स्लॉट दे दिया है फ्रेंड। दो नंबर में बताया गया है कि द डिटेल ऑफ ट्रेड वाइज स्लॉट बैकअप रीजन एसटीएससी वर्डर, मतलब एसटीएससी सब दे दिया हुआ है सर, किसका कितना कितना वैकेंसी है। मैकेनिक वर्कशॉप में दिया हुआ है कारपेंटर मैकेनिक, ये फिर सिग्नल वर्कशॉप में गोरखपुर कैंट में, ब्रिज वर्कशॉप कैंट में दिया हुआ है फ्रेंड। इसका मैं ऑफिशियल पेज लिंक पे दे दूंगा तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। और आगे बताया गया एज लिमिट, बताया गया एज लिमिट जो है 15 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम अगर 25 साल, और 5 साल का जो एज पर रूल जो गवर्नमेंट देते हैं वो चीज़ होता है आपका इनिशियल क्वालिफिकेशन जो है, द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन 10th हाई स्कूल 10th एंड with minimum 50% and ITI is notified trade on the date of issue notification। मतलब बोला गया है कि 10th पास आपका कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके साथ आपका आई टी आई होना ज़रूरी है रिलेटेड ट्रेड के साथ, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें फ्रेंड, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में बताया सेलेक्शन कैंडिडेट कोड फॉर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन विल वी हैव टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट एज प्रेस्क्राइब परमिट इशू बाय ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर एज पर मेडिकल सर्टिफिकेट परफॉर्मा इनक्लोज हेयर विथ। मतलब बोला गया है कि जो मेडिकल मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो एकदम वैलिड होना चाहिए, जो ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर से ही मिलना चाहिए, ठीक है, तभी वो मेडिकल माना जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फी जो मांगा है, कैंडिडेट विल हैव टू पे 100 रुपीज प्रोसेस फी एसटीएससी पीडब्ल्यू वुमेन एक्टम, यानी बोला गया फ्रेंड कि 100 रुपया जनरल के लिए, वहीं एसटीएससी वुमेन पीडब्ल्यूडी के लिए छूट मिली है। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, मोड ऑफ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग 100 रुपीज ऑनलाइन। आपको मतलब बताया गया है फ्रेंड कि आपको सिंपली मोड एप्लीकेशन जो होगा आपको वही www.gorakhpur.railway में जाके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। मैं इसका वैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, तो आप चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन हाई स्कूल, यानी बोला गया है फ्रेंड आपका डायरेक्ट मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा, वो भी 10th के मार्कशीट के आधार पर। 10th में अगर हाई आपका क्वालिफिकेशन है तो आपका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और आगे बताया गया है कंडीशन कुछ है तो फ्रेंड और कुछ है नहीं, ठीक है। हिंदी में भी दिया हुआ है, जो जिन भाई को हिंदी इंग्लिश दोनों को सुविधा है दोनों का मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो और कुछ आगे है नहीं, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।